इंडिया पाकिस्तान। ये जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी का संस्कार किया गया था, समाधि है बाबा जी की, तो यहाँ पे उनके फूल दफनाए गए थे। ये रोटी का साइज देखो कितना बड़ा है। ये है पाकिस्तान की मिट्टी। पाकिस्तान आगे वापस अपने देश हिंदुस्तान। पाकिस्तान हिंदुस्तान भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। हम यहाँ पे दो जगह कवर करेंगे, एक डेरा बाबा नानक और एक श्री चोला साहिब गुरुद्वारा। तो अभी हम पहले जा रहे हैं श्री चोला साहिब गुरुद्वारा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाह। अभी अपने चल रहे हैं श्री डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री दरबार साहब डेरा बाबा नानक जी, जो आप चैनल वाले गुरु नानक देव जी के पावन दरबार की आवाज़ जी है देशों विदेशों चुका रहे हो, आप जी का धन्यवाद। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी इस स्थान पर जिहड़ा इतिहासक स्रोत आते हैं 1506 तकरीबन इतने आए हैं, जिते गुरु नानक देव जी महाराज जी का इतने परिवार माता उन्होंने धर्म सपत्नी माता सुलखनी जी बाबा श्री चंद बाबा लखनी दास जी, क्योंकि डेरा बाबा नानक का जो नाम से पखो कि रंधावा पिंड से इतने गुरु नानक सौरा साहब पटवारी लगे हुए सन। पहली उदासी के समय बच्चा परिवार जरा इतने आ गया, गुरु नानक देव जी उदासी करने तो बाद जो इतने इस जगह पर आए हैं अजित्य रंधावे चौधरी के कोल इस खूह से आए हैं, तो अजित्य रंधावे के कोल बैठे ने इतने परिवार के नाल मिलाप होया है। इतने ही अजित्य रंधावे ने जो करतारपुर वाली जगह वा उन्होंने ये धरती अर्पण की है, तो इतने धर्मशाला बनी है, तो गुरु नानक देव महाराज जी ने यदा ना करतारपुर रख्या है। इतने गुरु नानक देव जी जो 17 साल का समा इतने खेतीबाड़ी करते रहे हैं, जो शरीरक टुकड़ा छड़िया वा, तो बाबा श्री चंद जी ने उन्होंने अस्थियां ने गुरु नानक देव जी दियाँ इस स्थान से लैके डेरा बाबा नानक देव गुरु नानक देव जी के खूह से आ के पे बैठे हैं खड़े थे उत्थे दफन कीतियां, क्योंकि रावी दरिया ने उस पासे ढा लाने शुरू कर दी थी।
ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਥਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਿਹੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੋ ਇਸਕੀ ਇਸਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1507 ਮੈਂ ਜਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਉਹਨੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਆਪਣੇ 17 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਥੇ और यही जो जगह थी ये इनका ससुराल था यहाँ पे और इस जगह का नाम था द्वेरा। द्वेरा से जब काफ़ी संगत आने लगी यहाँ पे जो जब गुनादेव जी चले गए थे शरीर छोड़ के चले गए थे तब इस जगह का नाम द्वेरा से हटकर श्री डेरा बाबा नानक हो गया और तब से आज तक इसी नाम से गुरुद्वारा जाना जाता है। वाहे गुरु 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 वाहे पार्किंग है वहाँ से मेन एंट्री है इसके गेट के सामने भी आपको पार्किंग मिल जाएगी। सुबह 8 बजे से यहाँ से बसें चालू हो जाती हैं जो करतारपुर कॉरिडोर पे लेके जाएंगी आपको। फ्री सेवा है कोई चार्ज नहीं उसका। यहाँ गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ लेके जा सकते हैं। लंगर है वो जो रूम दिख रहे हैं आपको वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं रात का। अब निकल रहे हैं डेरा बाबा नानक से गुरुद्वारे से। अब हमें निकल रहे हैं सीधा अमृतसर को। हमें काफ़ी देर हो गई है तो सीधा मिलते हैं आपको अमृतसर। ये हम चल रहे हैं अमृतसर। ये मैं इसलिए अभी घर में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया था। ये है आज का रूम अमृतसर में। ये विकास भी खड़े हैं, ये मूवी चल रही है और ये आज का रूम है हमारा। जानते हो इसको कौन है? और This is our washroom.